घंटाघर के पास रहने वाले और दिव्यांग पुरुषोत्तम अहिरवार का आरोप है कि वह पान की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करता है। उसने अपनी दुकान का बिजली का बिल जमा करने के लिए 2500 रुपये विकास ठाकुर नामक व्यक्ति को दिए थे जो MPB कार्यालय में काम करता है। 2500 रुपये देने के बाद भी अचानक उसकी दुकान की लाइट काट दी गई। इसकी शिकायत लेकर जब पुरुषोत्तम कार्यालय पहुंचा तो पुरुषोत्तम के साथ विकास ठाकुर ने कार्यालय प्रांगण में मारपीट कर दी और रोमती थाने में उसके खिलाफ 4 धाराओं में मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने भी झूठी रिपोर्ट दर्ज किया और उसे परेशान कर रही है। पुरुषोत्तम ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के माध्यम से उससे मांग की है कि विकास ठाकुर पर और रोमती थाना पुलिस पर उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करने की जांच की जाए और उसे इंसाफ दिया जाए। बताएं आज SP ऑफिस क्यों आया? आज हम SP ऑफिस आए हैं अपनी आज 3-4 दिन से समस्याएं को जो है हमारी हल नहीं हो रही हैं। आज मजबूरन हमें SP थाना छोड़ के SP ऑफिस आना पड़ा, SP साहब का सहारा लेना पड़ा। और क्या मामला है आपका? मामला ये है, आज शुक्रवार के दिन तो मैं गया था MPP पावर हाउस बिजली ऑफिस, विकास ठाकुर करके है, उन्होंने मेरे साथ में जबरन को आके झीना झपटी करी और मेरे को 2-3 थप्पड़ मारा। तो मैंने जाके ऐसे बस किया, मैंने भाई मेरे को मत मार रहा है तू, मैंने तू मेरे से पैसे लिया है, तू मेरे को ऊपर से दोस्त दिखा रहा है तू मेरे को। तो एक मैडम थी उसमें, मैडम बोलती है तुम्हारे नाम की हम जा रहे कंप्लेंट डालेंगे। एक तो ऊपर से हमने उसको कैसे भी करके 2500 रुपये दिए, जाके बिजली का बिल जमा कर दीजिए और हमारी बिना बताए इन्होंने लाइट हमारी जो है दुकान की काट के चलेगा बिना बताए। हम मैं ये चाहता हूँ विकास ठाकुर और थाना ओमती की पुलिस के ऊपर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो अन्यथा झूठा अपराध लगाने के क्रम में इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे पुलिस का कर्मचारी हो चाहे MPB का हो। इन हमारे दिव्यांगों के ऊपर अत्याचार बनाए हुए 4-4 धाराएं लगाए। मैंने किसी का मर्डर थोड़ू किया हूँ कि मैंने मर्डर कर दिया हूँ किसी को जो मेरे ऊपर 4-4 धारा लगाए हैं। और मैं पेपर में क्या लिखे हैं ये देखिए, पेपर में आपको पेपर कटिंग बताता हूँ मैं, ये पेपर कटिंग में लिखा है निवासी घंटाघर थाना उमती पुरुषोत्तम अहिरवार। दिव्यांग लोग आए थे, किस प्रकार की शिकायत? इनका एक शिकायत है कि ये थाना उमती अंतर्गत गए थे और वहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं हुई है और कुछ बिजली विभाग से संबंधित इनकी शिकायत है कि इनका जो बिल है उनकी बिजली काट दी गई है। और ये भी अपनी शिकायत पक्ष अपना रखने गए थे कि इन्होंने 2500 पेमेंट किया, उनको उसकी रिसीविंग नहीं मिली है, जिस विषय में थाने में भी शिकायत करने गए थे। इनका कहना है कि कार्रवाई नहीं हुई और बिजली विभाग द्वारा इनकी अनावश्यक रूप से बिजली काट दी गई, तो जिसके लिए CSP ओमती साहब हैं जो क्षेत्र के CSP हैं तो उनको जाँच दे दी गई है, उसकी शीघ्र ही जाँच करके निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।